Hello students, today we will discuss the next topic of non-finite verb, that is participles, as we have discussed gerunds and infinitives. Now today we will discuss the last one, that is participles. So let's move ahead to the definitions. Participle are the word which are partly a verb and partly an adjective. It can be used as an adverb also, okay, but generally it can be partly a verb or an adjective. It generally ends with ing, ed, en or t. Let us take some examples. We met a girl carrying a basket of flowers. We found a candle burning. A burning candle was extinguished. A burnt paper was discovered. She returned disappointed. So first thing, हम समझेंगे इसमें कि participles को कैसे as an adverb use किया जाएगा, sorry कैसे as a verb use किया जाएगा और कैसे as a adjective use किया जाएगा. और फिर आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसे एज एन एडवर्ब किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. तो फर्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे उसमें. वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. इस एग्जांपल में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फर्स्ट थिंग मैंने पहले भी बताया था कि अगर एडजेक्टिव देखना है आपको कि कोई वर्ड एडजेक्टिव के तरह काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो कर रहा है या नहीं. जैसे कि इस एग्जांपल में देखा, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. अब क्योंकि इसका जो रियल नाउन होना चाहिए था अ गर्ल होना चाहिए था, क्योंकि ये गर्ल को मॉडिफाई करता. कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर, ये क्योंकि कैरिंग एक वर्ब है, ठीक है, कैरिंग एक वर्ब है, इसलिए कैरिंग अ बास्केट को ये मॉडिफाई नहीं कर सकता. उसके बाद नाउन तो आया है बट ये उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कैरी करने का काम कोई एक पर्सन कर सकता है, ठीक है. अगर यही हो जाता, वी मेट अ कैरिंग गर्ल, इस टाइप से होता तो मे बी पॉसिबिलिटी बनती. बट यहाँ पर जो जिसको ये मॉडिफाई कर सकता है उसके बाद आया है, इसलिए एडवर्ब ये एडजेक्टिव ना बन करके ये क्या बनेगा, वर्ब बनेगा. तो इस सेंटेंस में कैरिंग क्या है, वर्ब है, जो कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके लिए उसका खुद का ऑब्जेक्ट है अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. क्लियर. बट यहाँ पर कैरिंग जो है एज अ पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप याद रखिएगा लास्ट में ing एडेड होता है. तो जब भी हम वर्ब के बेस फॉर्म में ing ऐड कर दें और उसे सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ करें कि उसका फंक्शन मेन फंक्शन की तरह ना हो, मेन वर्ब की तरह ना हो, ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है, उस सेंटेंस में पार्टिसिपल होता है. जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, वी मेट ए गर्ल, तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, जो मेन वर्ब है वो क्या है, मेट है इस सेंटेंस का. बट ये जो दूसरा जो वर्ब है कैरिंग, ये जो है इस क्लॉज अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स के लिए है, जिसमें जो मेन प्रिंसिपल क्लॉज है हमारा वी मेट हो जाएगा, ठीक है. अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर, इसमें क्या हो जाएगा, जो कैरिंग होगा वो एक अलग क्लॉज बना रहा है. इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये उसका यहाँ पर एज ए पार्टिसिपल यूज़ किया गया है और इसका फंक्शन क्या है, एज अ वर्ब है. यहाँ पर कैरिंग क्या है, वर्ब की तरह यूज़ किया गया है पार्टिसिपल को. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग. इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम क्या है कि ये जो नाउन है, नाउन के बाद ये पार्टिसिपल आया हुआ है, जो कि क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो यहाँ पर क्योंकि नाउन के बाद आ रहा है, तो मतलब क्या, कैंडल बर्निंग, कैंडल जलता हुआ, ठीक है, हमने पाया कैंडल को जलते हुए. तो काम क्या हो रहा है, काम होने की बात हो रही है यहाँ पर, एक्शन परफॉर्म होने की बात कर रही है. तो जलने की एक्शन परफॉर्म होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव की तरह नहीं, और ये किसी नाउन को फॉलो तो कर नहीं रहा है, ठीक है,
बर्निंग कैंडल अगर होता तब तो ये एडजेक्टिव हो जाता, बट अब कैंडल बर्निंग हो जाएगा जब नाउन के बाद आ जाएगा तो ये वही एक्शन, जब देखिए बर्निंग यही सेम एक्शन अगर जो बर्निंग है वर्ड बर्निंग है अगर नाउन के पहले आ जाता मीन्स इस कैंडल के पहले आ जाता तो क्या हो जाता, ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता, क्योंकि ये नाउन के बाद आया है तो ये एक्शन की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो पार्टिसिपल्स में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड, एक जलता हुआ मोमबत्ती बुझा दी गई, एक जलती हुई मोमबत्ती बुझा दी गई। तो इसमें क्या है कि अ बर्निंग कैंडल, तो अब देखिए कैंडल के पहले इसको यूज़ कर लिया गया। मोमबत्ती कैसी हुई थी, कैसी थी, जलती हुई थी, ठीक है, बर्निंग कैंडल थे, वो कैंडल कैसा था, बर्निंग था, ठीक है। तो इसके उसकी क्वालिटी क्या होगी कि ये बर्निंग कैंडल था, वो उस कैंडल की क्वालिटी क्या थी कि वो बर्निंग कैंडल था, मतलब पहले से ही उसको लाइटेड था, वो पहले से लाइटेड था। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो बर्निंग है क्योंकि ये किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, किसके लिए, कैंडल के लिए। क्लियर। अ बर्न्ट पेपर वॉज डिस्कवर्ड, अगेन अ बर्न्ट पेपर, तो यहाँ देखिए अ बर्न्ट पेपर वॉज डिस्कवर्ड, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बर्न्ट पेपर। बर्न्ट क्या हो गया आपका, पार्टिसिपल है, कैसा पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब इन थर्ड फॉर्म को कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब इन आईएनजी फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अभी एक आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, इसमें क्या है, डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर सी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, निराश होकर के वो वापस लौट आई, ठीक है, निराश होकर के वो वापस लौट आई। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड क्या हो जाएगा, ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये किस तरह यूज़ हुआ है, वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ऑन बीइंग डिसअपॉइंटेड सी रिटर्न होम, ऑन बीइंग, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऑन बीइंग डिसअपॉइंटेड सी रिटर्न होम, ओके। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब हम इस तरीके से लिख देंगे ऑन बीइंग डिसअपॉइंटेड तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। सो आगे हम देखेंगे इसको कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि तीन टाइप के पार्टिसिपल्स होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग समथिंग, हैविंग लग करके आएगा, हैविंग हैविंग और वर्ब इन थर्ड फॉर्म, हैविंग एंड वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो ये इसके इस टाइप के कंडीशन को क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इस टाइप का जब भी क्लॉज मिलेगा आपको, सॉरी पार्टिसिपल मिलेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। क्लियर। सेकंड थिंग, ये एक्टिव वॉइसेस के हैं, ये एक्टिव वॉइसेस के हैं। अगर ये पैसिव वॉइस में मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा, हैविंग बीन, देन आपको वर्ब इन थर्ड फॉर्म दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में होगा। क्लियर। तो उसको अभी एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, थोड़ी ये बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ पॉज करके देखिएगा, बट इस टॉपिक को क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। नाउ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, तो इसके पहले हम देखेंगे कि पार्टिसिपल को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। पार्टिसिपल्स को हम सबसे पहले समझ लें कि पार्टिसिपल को यूज़ कैसे किया जा सकता है। पार्टिसिपल को हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, एट्रीब्यूटिव केस में, एट्रीब्यूटिव केस मतलब जब सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाए उसको। सेकेंड थिंग, प्रेडिकेटिव केस में, जब हम क्या करें उसको सेंटेंस के लास्ट में लिखें। और तीसरा है एब्सोल्यूट, जो यहाँ मैंने लिख रखा है,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, क्योंकि इसका नाम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाएगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट सॉरी एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस में कैसे यूज़ किया गया है। जैसे इस एग्जांपल्स में आते हैं कि एट्रीब्यूटिव केस में क्या हो जाएगा, अ बर्निंग कैंडल, जस्ट लुक एट द थर्ड वन, अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। तो इस केस में आपको यूज़ किया गया है, ये एट्रीब्यूटिव केस में है, ये किस केस में है, एट्रीब्यूटिव केस में है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, इसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया गया है, अ बर्निंग कैंडल। तो इस केस में ये आपको एट्रीब्यूटिव केस में यूज़ किया गया है, क्लियर। वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर अ कैंडल बर्निंग, यहाँ पर ये प्रेडिकेटिव केस में यूज़ किया गया है, प्रेडिकेटिव केस में यूज़ किया गया है, क्लियर। तो इस तरीके से जब स्टार्टिंग में लिखा होगा और किसी नाउन के साथ जुड़ा होगा और इस तरीके से होगा कि वो किसी दूसरे नाउन को फॉलो ना कर रहा हो, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थर्ड वाले में देखिए अब बर्निंग कैंडल, इसके बाद ये डायरेक्ट वर्ब आया है, ठीक है, वर्ब आया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो वॉज एक्सटिंग्विश्ड हेल्पिंग वर्ब आया, और ये सिंपली पैसिव वॉइस में है, बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड पैसिव वॉइस में है, तो आपके मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया, मतलब उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि प्रेडिकेटिव सॉरी एट्रीब्यूटिव केस में यूज़ किया गया है। अब उसी तरीके से प्रेडिकेटिव केस में जब ये लास्ट में आ जाए, जैसे वी फाउंड है, तो ये जब मेन वर्ब के बाद है, जब मेन वर्ब से पहले आए, मेन वर्ब से पहले आए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा एट्रीब्यूटिव केस में, जब ये मेन वर्ब के बाद आए तो ये प्रेडिकेटिव केस में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले में प्रेडिकेटिव का एग्जाम्पल है और फर्स्ट वाला एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है। नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फर्स्ट रूल नंबर वन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होते हैं, कि ऐसे पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल क्लॉज की तरह यूज़ किया जाएगा, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसे पार्टिसिपल होंगे जिन्हें पार्टिसिपल क्लॉज की तरह यूज़ किया जाएगा, और ये ऐसे पार्टिसिपल्स होंगे जो किसी फाइनाइट वर्ब का प्लेस लेंगे, ठीक है, जैसे इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉज कंटेनिंग पार्टिसिपल इन ए प्लेस ऑफ फाइनाइट वर्ब, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेंगे, ठीक। सो इसके तुरंत बाद क्या कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। सो यहाँ पर देखिए, वॉकिंग इन द गार्डन ये हमारा एक क्लॉज है, पार्टिसिपल क्लॉज है, पार्टिसिपल में कैसा है, वॉकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल क्लॉज है एक, और जो कि क्या कर रहा है कि किसी फाइनाइट वर्ब को रिप्लेस कर रहा है, किसी फाइनाइट वर्ब को रिप्लेस किया, क्या जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो क्या बनेगा, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया जो कि जिसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिससे जो जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है एक सिंपली सी। अब क्योंकि ये क्लॉज है तो यहाँ पर इसका एक फाइनाइट वर्ब भी है, ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ किया गया, व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर इस फाइनाइट वर्ब वॉकिंग को हम क्या कर रहे हैं, वॉज वॉकिंग को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, क्लॉज से, प्रिंसिपल क्लॉज से। इसी तरह का ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब वॉकिंग इन द गार्डन ये रिप्लेस कर रहा है एक फाइनाइट वर्ब किसे, व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। इस सेंटेंस के पूरा जो क्लॉज है उसको रिप्लेस कर दिया हमने एक सिंपल से प्रिंसिपल क्लॉज से, सॉरी एक पार्टिसिपल क्लॉज से, ठीक है, एक पार्टिसिपल क्लॉज से हमने रिप्लेस कर दिया, उसको लिख दिया हमें ये इस सेंटेंस की जगह पे कि व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, उस सेंटेंस की जगह पे हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया वॉकिंग इन द गार्डन, क्लियर। या इसके पहले आप वाइल भी लगा सकते हैं, वाइल वॉकिंग इन द गार्डन, वाइल लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है, वाइल लगा हुआ मिलेगा तो भी गलत नहीं होगा,
वाइल लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जा सकता। इस वजह से आप अगर वाइल लिखा हुआ मिले तो आप उसे एरर नहीं समझेंगे, ठीक है। तो वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा कि बागीचे में घूमते हुए मैं अपने किसी एक पुराने मित्र के पास से गुजरा, मतलब उसके उससे मिला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सरप्राइज एट द न्यूज़ आई रश टू द, अब यहाँ पर देखिए पहली चीज़ वॉकिंग एट द इन द गार्डन, उसके तुरंत बाद क्या आया है, एक प्रोनाउन आ गया है, सरप्राइज एट द न्यूज़, फिर अगेन प्रोनाउन आ गया है, हैविंग टेकन फूड, अगेन प्रोनाउन आ गया है, नाउन भी आ सकता है, जैसे हैविंग टेकन फूड रमेश लेफ्ट फॉर ऑफिस, ऐसे किया जा सकता है, क्लियर। तो नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ गया, सिंपल। तो यहाँ पर देखेंगे पहली चीज़, दो चीज़ें हमने देखा कि ये किसी फाइनाइट वर्ब को रिप्लेस करेगा, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल्स में समझाया। दूसरा, ये हमेशा इसके तुरंत बाद एट द, मतलब जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, देखिए जस्ट आफ्टर यहाँ पर क्या आया है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर वॉज वर इस टाइप के कुछ नहीं आएंगे, और कोई कॉमा वगैरह नहीं यूज़ हुआ होगा, ठीक। तुरंत इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आएगा, और बाकी इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ये पार्टिसिपल क्लॉज की तरह यूज़ हुए हैं। तो वॉकिंग इन द गार्डन ये हो गया, सरप्राइज एट द न्यूज़, सरप्राइज एट द न्यूज़, सरप्राइज क्या है, सरप्राइज एट द न्यूज़ सरप्राइज हो गया आपका, ये पास्ट पार्टिसिपल्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये काम कंटिन्यूटी में था। अब देखिए दोनों के तीनों में डिफरेंस क्या होगा, अभी इसको भी समझाते चलते हैं साथ में, कि वॉकिंग इन द गार्डन मीन्स एक ऐसे टाइम्स की टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वो काम होते हुए किसी चीज़ की बात हो रही है, मतलब किसी काम के होते हुए किसी दूसरे काम के होने की बात हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे ये काम हो रहा था, वॉकिंग इन द गार्डन, टहलते हुए वो मिला, तो एक काम होते हुए दूसरा काम हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इस केस में जब ऐसा केस हो कि एक काम होते हुए दूसरा काम हो रहा हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, और जब एक काम हुआ है उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है तो हम क्या करेंगे, एट द मोमेंट, मतलब याद रखिए कि तुरंत बाद होना चाहिए, मतलब जैसे एक, मतलब एक एक्शन दूसरे का रिजल्टेंट होना चाहिए, एक एक्शन दूसरे का रिजल्टेंट होना चाहिए। जैसे सेकंड वन, सरप्राइज एट द न्यूज़ आई रश टू द एयरपोर्ट, मतलब मैं सरप्राइज होकर के न्यूज़ से मैं तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागा, तो एक पहला जो एक्शन, दूसरा एक्शन जो है पहले का रिजल्टेंट है, मतलब पहले सरप्राइज हुआ, कुछ मतलब अनहैपेंड थिंग देखा उसने, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हैपेंड हुआ उसको देखा, ठीक है, इसी वजह से वो भागता हुआ एयरपोर्ट पे गया, ठीक है। तो जैसे आपको न्यूज़ मिले कि कोई प्लेन क्रैश कर गया है, तो आप भागते हुए हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे सेंस है कि मतलब एक प्लेन क्रैश कर गया, वो भागते हुए कहाँ गया, एयरपोर्ट पे गया, ठीक। तो इस न्यूज़ को पाने के बाद वो एयरपोर्ट पे, तो जो दूसरा एक्शन है एयरपोर्ट पे जाने का, वो क्या है, पहले एक्शन का रिजल्टेंट है, मतलब पहला एक्शन पहले परफॉर्म होगा, तुरंत उसके बाद दूसरा हुआ है, मतलब पहले के रिजल्ट में दूसरा एक्शन परफॉर्म किया गया है, ठीक। तो ये वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड एग्जांपल देखिए, हैविंग टेकन फूड आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो तीसरे वाले एग्जांपल में क्या है, हैविंग टेकन फूड मीन्स, अब ये क्या होगा, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा इसमें क्या होगा कि एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, उसका दूसरा काम उसका रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, जो पहला काम है वो दूसरे काम, पहला काम पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। तो इस केस में हैविंग टेकन फूड आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, तो पहले में काम मतलब खाने जो फूड है, खाने का काम पहले कर लिया गया है, पहले पूरा खाना खाया गया है, उसके बाद जो है ऑफिस गया गया है, तो पहला काम करने के बाद दूसरा काम हुआ है, इस वजह से क्या है ये कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर हमने देख लिया कौन से कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, कब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, और कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ तब करेंगे जब एक एक्शन परफॉर्म हो रहा हो उसी बीच दूसरा एक्शन परफॉर्म हो जाए, जैसे कि पहले एग्जांपल में किया गया है, टहलते हुए किसी को मिला गया है।
दूसरे एग्जांपल में कि क्या है कि यहाँ पर एक काम हुआ है तो उसका जो दूसरा काम है उसका रिजल्टेंट है, मतलब एक काम के होते ही दूसरे एक काम के होने की वजह से दूसरा काम हुआ है, ठीक। तो पहले एक्शन का रिजल्टेंट दूसरा एक्शन है। तीसरे एग्जांपल में आपको लिया गया है कि एक काम हो गया है परफेक्टली पूरी तरीके से, फिर दूसरा काम स्टार्ट किया गया है। तो यही डिफरेंस है तीनों के यूजेस में, क्लियर। तो आई होप आपको ये इनके यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने अभी देख लिया एट्रीब्यूटिव केस, देख लिया प्रेडिकेटिव केस में कैसे यूज़ करते हैं, ये देख लिया नॉमिनेटिव या एब्सोल्यूट केस में कैसे यूज़ करते हैं, ये देख लिया। फिर से रिपीट कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव केस में मतलब कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे और उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, मतलब मेन वर्ब से पहले जब लिखे जाएंगे तो एट्रीब्यूटिव केस में होंगे, मेन वर्ब के बाद जब लिखे जाएंगे तो प्रेडिकेटिव केस में यूज़ होंगे। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल्स में ले रखा है, सेकंड एग्जांपल्स में मैंने प्रेडिकेटिव केस का एग्जांपल लिया है और फर्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूटिव केस का एग्जांपल लिया है, ठीक। और ये जो थर्ड जो बचता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या नॉमिनेटिव आप कह सकते हैं इसको पार्टिसिपल क्लॉज, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेज या पार्टिसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, इसमें क्या है कि ये जो है किसी कोई पार्टिसिपल क्लॉज होगा, ये क्या होगा पार्टिसिपल क्लॉज की तरह यूज़ होता है और ये किसी फाइनाइट वर्ब को रिप्लेस करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, जैसे वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पर वॉकिंग इन द गार्डन किसको रिप्लेस कर रहा है, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ड वाज वॉकिंग इन द गार्डन को रिप्लेस करके एक फ्रेज बना दिया गया है जिसको बोला जा रहा है एक मतलब पार्टिसिपल क्लॉज या आप एब्सोल्यूट फ्रेज भी बोल सकते हैं, जो कि क्या बन गया वाइल वॉकिंग इन द गार्डन या फिर वॉकिंग इन द गार्डन। वाइल भी लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, दोनों के केसेस में हो सकते हैं। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। दूसरा चीज़ इसमें ये भी देखेंगे कि इसके तुरंत बाद जो पार्टिसिपल क्लॉज होगा उसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, कोई कॉमास वगैरह नहीं लगे होंगे, ठीक। और उसके बाद हमने देख लिया कि कैसे हम कब हम कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज़ करेंगे, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, कब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, कब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज रूल नंबर टू, पार्टिसिपल कैन बी चेंज इनटू फॉलोइंग क्लॉजेस। जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनको इन जो सिक्स क्लॉजेस से उनमें चेंज किया जा सकते हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडजेक्टिव क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बट आज हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको टॉपिक्स थोड़ा लंबा है, समझना ज़रूरी है एक पॉइंट्स को, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम पार्टिसिपल्स को इन क्लॉजेस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन सिक्स टाइप्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।